आपके लिए एक बड़ी खबर जिसे देखकर आप जान पाएंगे कि राजनीति में चापलूसी कैसे की जाती है और किस हद तक की जा सकती है। राजनीति है, कुछ भी करवा सकती है। नेता दूसरे नेता को कैसे भगवान और अपने आप को भक्त बता रहे हैं, वो भी खुले मंच पर। जब आप अपनी आंखों से देखेंगे, अपने कानों से सुनेंगे, तो सोच में पड़ जाएंगे कि हमने कैसे लोगों को अपना जनप्रतिनिधि चुना है। मौका कौन फाउंडेशन द्वारा आयोजित सेमिनार का था, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसरोवर सभागार में हुई थी। विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने जब संबोधन दिया तो कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव भी एक पल को सोच में पड़ गए होंगे कि मध्य प्रदेश की धरती पर भी मेरे जैसा कोई है। जी हाँ, सुनिए कि क्या बोल गए विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति। हमारे जो शंकर हैं, देवादि देव माननीय कमलनाथ जी, उनको बुलाते रहिए, स्पीकर अपने आप पीछे आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने साहब, ये तो चापलूसी की हद है। अध्यक्ष महोदय की बात सुनकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुख्यमंत्री कमलनाथ देवादिदेव महादेव हैं, तो वे खुद महादेव के गण हैं। एक बार फिर सुनिए कि वो कमलनाथ को देवादिदेव बताकर अपने आप के बारे में आयोजकों को क्या बताना चाह रहे हैं। बस ये है कि हमारे जो शंकर हैं देवादिदेव माननीय कमलनाथ जी, उनको बुलाते रहिए, स्पीकर अपने आप पीछे आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप समझ ही गए होंगे अध्यक्ष जी क्या कहना चाह रहे थे। वो कह रहे हैं कि आप हमारे जो शंकर हैं यानी कमलनाथ जी को बुलाते रहिए, तो उनके गण यानी स्पीकर खुद आते रहेंगे। ये सब अध्यक्ष महोदय कमलनाथ की मौजूदगी में बोला जा रहा था। वे कमलनाथ को भगवान शंकर बता रहे थे और कमलनाथ ये सब सुनकर अपने आप को आत्ममुग्ध महसूस कर रहे थे। ये सब क्या कह गए अध्यक्ष महोदय? वे क्या अपने पद की गरिमा भूल गए थे? वे शायद भूल गए कि मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का पद एक समान होता है। और अध्यक्ष जी, आप तो पक्ष हो या विपक्ष, सभी विधायकों के मुखिया हैं। आपका हर काम निष्पक्ष होता है, मगर आपकी ये बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री की कृपा से मिले इस पद का ऋण उतारने के लिए आप कमलनाथ को भगवान शंकर बताकर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो शंकर हैं देवादिदेव माननीय कमलनाथ जी, उनको बुलाते रहिए, स्पीकर अपने आप पीछे आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।